महालक्ष्मी महामाए कमलाक्षी कमलानने विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं नमोस्तुते सागरात्मजे शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम् यस्य वामे महालक्ष्मीतम् विष्णुं नमाम्यहम्। को खोलकर सुनना, इस वक्त घड़ी के कांटे सुबह के 5:32 और 23 सेकंड बजा रहे हैं। तुम्हें 6 बजे से पहले पहले या 6 बजे तक उन 5 आतंकवाद के सिपाहियों को आजाद करना है जिनको तुमने कल घाटे में गिरफ्तार किया था। तुम अपने हिंदुस्तान को टुकड़ों में बटने से बचा नहीं पाओगे। टुकड़े तो मैं तेरे करूंगा। काश तुम सामने होते तो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता। बातों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने से कोई फायदा नहीं धर्मा। मजमून ये है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना घाटी में जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम हरामजादे, भारत देश पर उठने वाली हर आंख नोच ली जाएगी, भारत देश पर उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं धर्मा, अगर सुबह के 6 बजे तक उन 5 आतंकवादियों को तूने नहीं छोड़ा तो घाटी का मंदिर सुबह 6 बजे की आरती के शोर के साथ उड़ा दिया जाएगा। और उस उड़ान में सिर्फ भगवान ही नहीं, भगवान के हजारों भक्त उनके भजन कीर्तन के साथ उड़ा दिए जाएंगे। उन आतंकवादियों को मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। सर, कई जिंदगियों का सवाल है। मैं तो समझता हूँ बेहतर यही है कि हम उन 5 आतंकवादियों को रिहा करते। What nonsense!
गेट रेडी फॉर द ऑपरेशन। यस सर। तरफ से मंदिर की नाकाबंदी कर रहा और तुम मेरे साथ आओ। घबराइए नहीं आचार्य जी, रोज की तरह आरती आज भी होगी। ज्यादा चालाक है, हम मंदिर नहीं खाड़ी के उस ब्रिज को उड़ाएंगे जो खाड़ी में दाखिल होने का एक ही जरिया है। तुम्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे पर 11वें मिनट में हम उसे उड़ा देंगे। उसे बचा सकोगे क्या? सर ये देखिए, लेट्स मूव। ओके सर। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, follow me। You search from that side. Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि उनकी यह हरकत भी हमें महज परेशान करने के लिए रही हो? No questions. Be alert. Yes, sir. Sir, put your gun down and heads up. इस बिजनेस का एक दलाल मैं भी हूं।
मदनलाल डोगरा देशद्रोही था और इस विस्फोट में वो भी आतंकवादियों के साथ शामिल था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेजर धर्म सिंह चौहान को कैप्टन मदनलाल डोगरा की मौत की इंक्वायरी पूरी हो जाने तक के लिए ड्यूटी पर न रहने का आदेश देती है। बड़े जल्दी उठा लिया, नींद हवा हो चुकी है क्या? खैर, एक पुराना गाना याद आ गया, मुलाहिजा फरमाइए। हमको वतन के इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। तमाशे के आगाज पर इतनी हंसी आ रही है, हंस ले और जोर से हंस ले, क्योंकि अंजाम पर मैं तुम्हें रोने भी नहीं दूंगा। रस्सी जल गई, ऐंठने की आदत नहीं गई है? आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अरे एक बड़ी नटखट आदत है मेरी, तेरे जैसे दरिंदों को सरे बाजार नंगा करके पीटने की। जरा सोच, तेरे बाजार जब मैं नंगा करके तेरी पिटाई करूंगा और तू चीखता चिल्लाता मेरे आगे आगे भागेगा तो कैसा लगेगा जुलूस? है शर्म आ गई साले को। खुजली होने लगी साले को। अरे बड़े भैया। अरे कैसे है छोटे? अरे कब से फोन लगा रहा हूँ, एंगेज पर एंगेज आ रहा है, क्यों कोई भाभी ढूंढ ली है क्या? ज्यादा बकबक नहीं करना, है कैसा है तू? बस आपके आशीर्वाद से पूरे आर्किटेक्चर कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता भैया, गोल्ड मेडल। अरे कंग्रेचुलेशंस। अरे इतना ही नहीं बड़े भैया, गोल्ड मेडल के साथ साथ मुझे मेनका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। अरे तू तो शौक पे शौक दे रहा है यार, है? आपको अपने बिजी होने पर बड़ा घमंड था ना, अब मैं भी बिजी हो गया हूँ, नई नई नौकरी है, मुझे भी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ कल ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा तू बिजी हो गया तो मैं फ्री हो गया हूँ, लंबी छुट्टी मिल गई है मुझे। क्या छुट्टी मिल गई आपको? अरे वाह भैया वाह। और हाँ, मैं इस पेइंग गेस्ट रूम से भी शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कंपनी की तरफ से 2 बेडरूम फ्लैट मिल गया है, आप फौरन आ जाइए। बस जल्दी आ रहा हूँ। हाँ ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय भैया। अब जब मैं ये खुशखबरी मोहिनी को सुनाऊंगा ना, वो तो खुशी के मारे झूम उठेगी।
मेरी नौकरी ने किए तेरे सावन खराब, जब मिल गई खिल उठे दिल के गुलाब। आवाज निकाली तो 12 इंच का चाकू तेरी हलक में घुसेड़ कर फाड़ डालूंगा तुझे। बता डॉली कहाँ है? डॉली? कौन डॉली? यहां तो कोई डॉली। अगर तू झूठ बोला तो इस चाकू से तेरी जबान कतर दूंगा। बता। सच बोल रहा हूं सर, यहां तो मैं अकेले। झूठ मत बोल डॉली। डॉली तेरी बहन है ना? नहीं सर, नहीं। किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, यतीम हूं मैं, यतीम। हम दर्दी है मुझे तुमसे, तो फिर डॉली कहाँ है? मुझे यतीम खाने की औलाद को तो यहाँ एक विधवा मिसेस दस्तूर अपने बुढ़ापे का सहारा बना ले आई थी, मगर मेरे आते खुद चल बसी और मैं यतीम का यतीम ही रहा। माफ करना, मैं इस घर में इसलिए दाखिल हुआ था कि किसी जमाने में डॉली यहां रहा करती थी। खैर उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस हादसे के बारे में किसी से कुछ मत कहना, ओके? हाय डॉली। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सर। ये इकबाल और सुरेश नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। उनकी लेट आने की आदत एक न एक दिन उन्हें ले डूबेगी। हेलो, देखो मेरे दोस्त, हम तुमसे पहले ही फरमा चुके हैं कि तोड़ फोड़ का कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते कि टाड़ा का असगर हमें अपनी लपेट में ले ले, इसलिए तोड़ फोड़ का अब कोई काम नहीं। काम काला नहीं, तोड़ फोड़ का भी नहीं, जोड़ तोड़ का है। और ऐसे जोड़ तोड़ का जो तुम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सफेदपोश बिजनेसमैन बना देगा। अरे क्या बात करो यार, 1997 में हांगकांग चाइना के पास जा रहा है और वहां के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के इरादे से भारत सरकार भारत में एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बनवाने की प्लानिंग कर रहा है। एक ऐसा शॉपिंग सेंटर जहां रिमोट कंट्रोल के जरिए सुई से लेकर जहाज तक खरीदा जा सकता है। प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ से भी ऊपर का है। 10,000 करोड़? अरे दोस्त, कहीं दिन में सपने तो नहीं दिखा रहे हो तुम? अगर तुम्हारा पेपर वर्क नंबर वन होने के साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी रहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें दिलवाने की दलाली भी मैं लूंगा, बशर्ते मेरी दलाली करोड़ों में होगी।
अरे ले ले यार, 10-20 करोड़ तू भी ले ले। वो तो जो चाहेंगे ले ही लेंगे। टेंडर जमा करने की तारीख के आसपास मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह रे दलाल और वाह रे दलाली। किसी ने सच कहा है, जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर नहीं दोस्त, आसमान फाड़ कर कहो, आसमान फाड़ कर। अरे आओ एक बार भाई आओ। क्या हुआ था नंदू, आज तुम बड़े चहक रहे हो, कोई तितली हाथ लगी है क्या? अरे तितलियों का लगना लगाना तो रोजमर्रा की बात है, लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बड़े पते की बात है। मतलब इस खबर ने यह साबित तो कर दिया है कि आदमी का दिमाग खुद ही अपने आप में सबसे बड़ी साइंस है, और वो किसी भी ऊंचाई तक अपनी उड़ान भर सकता है। इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्यों मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर राकेश, ये खबर तुम्हें कैसे लगी? वेरी एक्साइटिंग सर। जाहिर है इस खबर ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स के कान भी खड़े कर दिए होंगे जो हमसे हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट को छीनते रहे हैं। मगर अब सवाल ये उठता है, छिन जाने के डर से बैठे रहें या फिर? मिस्टर प्रदीप, कोई जवाब है आपके पास? सर, हमेशा की तरह इस बार भी वो हमें दफना देंगे। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ना ही हमारे पास पैसे हैं, ना ही इतनी पहुंच। हमारे पास है क्या सर? गोल्ड मेडल तो है। 10,000 रुपए के गोल्ड मेडल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदा जा सकता। हासिल तो किया जा सकता है। मैंने ये गोल्ड मेडल गटर बनाने के लिए नहीं, बड़े बड़े कामों को हासिल करने के लिए ही जीता है। जिस गोल्ड मेडल को तुम दिल से लगाकर यहाँ आए हो, उसी गोल्ड मेडल के साथ मैं पिछले 5 सालों से मेनका के साथ काम कर रहा हूँ। ताज्जुब है फिर भी कुछ ना हासिल कर सके। तो तुम्हें कुछ करके दिखा देना, गोल्ड मेडल के चमक दिखा दे। ये लो, यहाँ पे तो गोल्ड मेडल के पत्थर फेंके जाने लगे। आइयो जी, शट अप। सॉरी मैम, मुझे अपने गोल्ड मेडल पर पूरा भरोसा है। मैं शॉपिंग सेंटर का डिजाइन पेपर पे इस तरीके से बनाऊंगा कि सरकार देखती रह जाएगी। उनको हमें यह कॉन्ट्रैक्ट हर हालत में देना पड़ेगा, मेरा आपसे यह वादा रहा। हमारी पुरानी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं तुमको यह हवाला दे रहा हूं कि तुम सुपर शॉपिंग सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए नहीं खड़े रहोगे, और उसका मुआवजा एक मोटी रकम के तौर पर तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुमार मेनका एसोसिएट्स, तुमने झुकने से इनकार कर दिया है? तो मुझे भी झुकाना आता है। मेरा नाम इकबाल सुपारी है। ढोले, हमारे लिए पैक बनाओ। हाँ, हम गाना ही चाहिए। बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम? 14 कंपनीज ने हमारे सामने घुटने टेक दिए नंदू, मगर वे साले फटीचर। किसकी बात कर रहा है यार तू? अरे वही अपने पुराने कॉम्पिटिटर्स यार, कुमार मेल के एसोसिएट्स। झुकी ना झोपड़ी सिराय का ढिंढोरा, सालों के आकर तो देखो, हमारे सामने झुकने से इनकार कर दिया है, सालों कटवा के रख दूंगा। अरे ना ही इकबाल, वो ना ही इस बार जोश से ना ही होश से काम ले। अरे होश की बात तो ये है मिश्रा, कि उनके पास 2 एक्सपर्ट आर्किटेक्ट हैं। टेंशन नहीं इकबाल, टेंशन नहीं। ऐसा करते हैं, आर्किटेक्ट तलाश करने का जिम्मा टॉली पर छोड़ते हैं, बाकी मौका आने पर देखते हैं। कुमार मेनका, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कहता है कुमार? क्या हम टेंडर जमा करने की तारीख तक रुपयों का इंतजाम कर सकेंगे? घबराओ नहीं मेनका, इतनी जल्दी इतना बड़ा फाइनेंस जमा करना कोई आसान काम तो नहीं, मगर हमें यह सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहिए। उठाना पड़े तो बड़े से बड़े ब्याज पर पैसा उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो इस कंपनी को गिरवी रख दूंगा। काश हमें वो एंडमैन का कॉन्ट्रैक्ट ही मिल गया होता जो हमें तुम्हारे दोस्त मिस्टर खान के जरिए मिलने वाला था। वेरी ट्रू मेनका, अगर खान साहब का कॉन्ट्रैक्ट हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले मिल जाता है तो सुपर टेक्नो शॉपिंग सेंटर के टेंडर डिपॉजिट मनी का इंतजाम खुद बे खुद हो जाएगा, और यह कॉन्ट्रैक्ट हम उन मगरमच्छों के मुंह से निकाल कर ला सकेंगे। एक्सक्यूज मी,
मैं नंदू सोलंकी एनआईएस एसोसिएट्स का चेयरमैन, मैं कुमार मेनका आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिस्टर कुमार से मिलना चाहता हूं। मैं हूं, कहिए। मिस्टर कुमार, मैं सुपर टेक्नो शॉपिंग सेंटर के बारे में आपसे कुछ बातें करने आया हूं। अंदर चलें या फिर यहीं? मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, फिर कभी तशरीफ ले आइएगा, कर लेंगे बातें। कर लेंगे जैसी बातें करने के लिए यहां मैं नहीं आया मिस्टर कुमार। सीधा साधा सवाल है कि बंबई की 14 बड़ी फर्म जो हमारे सामने खड़ी थी, बैठ चुकी है, फिर आप और आपकी कंपनी अब तक क्यों खड़े हैं? मेरे खड़े रहने से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर आप बैठ जाइए। जो कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने घुटने नहीं टेकते, हम उन्हें टिकने नहीं देते, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन लाइन के हम वो मगरमच्छ हैं जो तुम जैसी छोटी छोटी कंपनीज को सांस लेते ही हालत के नीचे उतार लेते हैं। और इसे कोरे कागज की धमकी नहीं, नंदू सोलंकी की जुबान की हकीकत समझना। तो जाते जाते ये हकीकत जानते जाइए मिस्टर नंदू सोलंकी, ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी का वो ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए हमें तुम जैसे लोगों की सांसें रोकनी पड़ी तो रोकेंगे, ताकि हम तुम जैसे लोगों के हलक के नीचे ना उतर सके। और एक बात, इस बार जीत तुम्हारी नहीं, हमारी होगी। तो फिर मिस्टर कुमार, ये बात अपनी पार्टनर के पल्लू से बांध कर सुनो, हारने की आदत हमें भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस के साथ साथ खुद की जिंदगी ना हार जाओ। डॉली, आर्किटेक्ट का कुछ पता चला डॉली? तलाश जारी है, क्योंकि पेपर एड्स के जरिए जो मिले वो सबके सब फिजूल हैं। शायद आप नहीं जानते सर, आपके कॉम्पिटिटर्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो मैं जानता हूँ सर, मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो उन गोल्ड मेडलिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दे सके। परसों ही एक इंडियन आर्किटेक्ट जर्मनी से वापिस इंडिया आ रहा है अपने कुछ लोगों से मिलने। मेरा आपसे वादा है सर, पहले वो आर्किटेक्ट मेरा होगा और फिर आपका, क्योंकि वो कैंडिडेट हमारे ही होटल में ठहरा है। ओह दैट्स ग्रेट। धुआं बना गई मेरी जिंदगी, मगर गई कहां? डॉली, तुम पाताल में भी जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।
डॉली के बारे में कुछ बताना चाहती थी। हाँ तो बताओ मुझे, कहाँ है डॉली? तुम्हारे सामने। आज का दिन यानी 11 अक्टूबर मेरे बेटे का जन्मदिन तो है ही, साथ में हमारी शादी की सालगिरह भी है। ओह गॉड, तब तो आज की तारीख 11 अक्टूबर तुम्हारे लिए बहुत चमत्कारी है। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। क्या किया तुमने? तुमने खून कर दिया इसका। अबे हम कितना भी हंसले रे भैया, एक बात हमारे दिल में हमेशा खलती रहेगी कि वो बेचारा भोला भाला शिवा जबरन फंस गवा। साली उमा, एक अदना सी डांसर चली थी हम लोगों की काली करतूतों का पर्दाफाश करने। अरे चाकू पेट में हमने डाला और निकलवाया शिवा से, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। आओ। ओ, तो तुम हमारी बातें सुन रही हो? हाँ, ये छोकरिया बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही है, ले चलो इसे। तमाम गवाहों के बयानात और खास तौर पर मुलजिम शिवा बैंड मास्टर के साथ ही डांसर मिस डॉली की चश्मदीद गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत होटल हाउसकीपर मिस उमा के खून के इल्जाम में शिवा कपूर को खूनी करार देते हुए उसे ताज़ीरत हिंद की दफा 302 के तहत 14 साल की सजा का हुक्म देती है। शिवा, अपने पापों का प्रायश्चित तो मैं करूंगी ही, मगर इन तीनों दरिंदों को सजा देने के बाद जिन्होंने मुझे तुम्हारा गुनहगार बनने पर मजबूर कर दिया, ये तीनों वही कल के नंदू सोलंकी, इकबाल सुपारी वाला और सुरेश मिश्रा हैं, जिन्होंने टाडा के दर से सफेद नकाब पहन लिए हैं और आज के सफेद पुष्प बिजनेसमैन बन गए हैं। इनकी बॉम्बे में NIS इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन की सबसे बड़ी फर्म है। आइए आइए, वेलकम डॉली, वेलकम। मिस्टर नंदू सोलंकी, मिस्टर इकबाल सुपारी वाला, मिस्टर सुरेश मिश्रा और ये है मिस्टर कर्मा, जर्मनी से वापस आए ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने नाम और काम से वहाँ के तमाम बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना गुलाम बना लिया है। जनाब, गुलाम तो हम भी आपके बन जाएं, बशर्ते आप हमें गुलाम बनाना चाहें। बस इसी इरादे से डॉली के साथ यहाँ आया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मिस्टर कर्मा, ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं, मेरी तस्वीरों को, क्योंकि अक्सर विदेशी अखबारों में मेरी तस्वीरें छपती रहती हैं। तो क्या हम समझें कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं? ना करना होता तो डॉली के साथ यहाँ आता क्यों? मिस्टर कर्मा, क्या आप जानते हैं कि हमारा कंपटीशन एक ऐसी कंपनी के साथ है
जिसका कंसल्टेंट राकेश नाम का गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं डॉली से सब कुछ जान चुका हूं। वो राकेश आपके कॉम्पिटिटर के लिए नहीं बल्कि आपके कंसल्टेंट आर्किटेक्ट कर्मा कपूर के लिए काम करेगा। अरे ये क्या पॉलिटिक्स बड़बड़ा रहा है, हम तो कुछ समझा नहीं हूँ। अरे आप कर्मा के काम को देखिए, काम करने के तरीके को नहीं। लेकिन मिस्टर कर्मा, हम व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन हैं, किसी भी तरह का खतरनाक तरीका हमें पसंद नहीं आएगा। मैं वो कलाकार हूँ जो अपनी कला कलम से दिखाता है, तलवार से नहीं। यह रहा तुम्हारा एडवांस, आज से अपना काम शुरू कर दो। अरे मैं अपना काम तो कब का शुरू कर चुका हूं। अगर मुझे इन लोगों को जड़ से उखाड़ना है तो राकेश को खरीदने की पैंतरेबाजी का खेल मुझे खेल। अयो क्या करो सर जी, उस साले का नाम लेते ही मेरे मुंह का जायका खराब होने लगता है। सच आपने तो हरामियों को उनकी औकात बता दी। हाँ किसी ने सच कहा, देवता को याद करो तो देवता हाजिर, और हरामी को याद करो वो भी हाजिर। हाँ क्या बोला साले? अयो, अयो, मेरे गला क्यों पकड़ता है? अरे मेरा गला क्यों पकड़ता है? हरामी को हरामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बस पता, तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? कृष्णा है, करीम है, या फिर करतार है, या तीनों तेरे बाप है? अरे अयो अयो मेरे को मार मत। अरे क्यों मारता है? तेरी बात सुनो प्रदीप, मैं कहता छोड़ो इसको, छोड़ो। प्रदीप सुनो मेरी बात, तुम छोड़ो इसको। प्रदीप छोड़ो उसे, प्रदीप ऐसे लीव है, प्रदीप प्रदीप। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। खून का रंग तो लाली है ना, फिर मुझे हरामी क्यों कहते हैं? और जो कहते हैं क्या उन्हें खुद मालूम नहीं वो हरामी है या नहीं? नफरत है मुझे इस समाज के खोखलेपन से, जो जिंदा जिंदगी से ज्यादा उन लोगों का नाम जानना पसंद करते हैं जिन्होंने घिनौना जिस्म तो दिया मगर पता नहीं क्यों इसे सड़क पर फेंक दिया, और किसी शराब की बोतल पर चिपके लेबल की तरह इस समाज ने मेरे जिस्म पर हरामी का लेबल चिपका दिया। कहां से भरो इसमें वो खून जो इस हरामी खून को धो सके। निकाल माल, वरना दबाता हूं घोड़ा। अब ये क्या मजाक है? चोर जी, इसके अंदर मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और प्यारी चीज है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वादा कीजिए चोर जी कि आप इस चीज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, हिलना नहीं वहां से, हिलना नहीं। सुनिए चोर जी, इसी के अंदर मेरी दिल की धड़कनें बंद हैं। मैं इस चीज से सचमुच बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं चोर जी। अरे ये क्या, आप सीरियस हो गए? अरे बड़े भैया, मैं तो नाटक कर रहा था। मैं भी नाटक करने में आपसे कम नहीं, मात दे दी ना आपको। अरे तेरे प्यार में कोई भी मात खाने के लिए तैयार हूं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप अंदर आए कैसे? दरवाजे से। लेकिन वो दरवाजा खोला किसने? देख मैं तेरी तरह कागज पेंसिल का आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं तोड़ फोड़ का आर्किटेक्ट हूँ डपटूचू। इसलिए जल्दी से हाथ मुंह धोके आ जा, खाना साथ खाएंगे। मगर मेरे प्यारे भैया, जब खाना बने नहीं तो खाओगे कैसे? आज मैंने अपने छोटे भाई के लिए खाना अपने हाथ से बनाया है। वाह भैया वाह, आप हर काम फोर्स में करते हो। मानो हर काम जानता है, इसलिए बना ले जल्दी से। मैं यू गया और यू आया। Very well. मैं आपकी दोनों कमजोरियों को जानता हूँ, एक गोलियों की आवाज को, एक संगीत को। आप ये सुनिए, मैं फौरन आता हूँ।
सुना भैया सुना? क्या? अरे कुमार मेनका शादी करने वाले हैं। क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो कुमार? बहुत खुश हूँ मेनका, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी मोहब्बत को किसी मजबूरी का मोहताज होना पड़ेगा। कम ऑन कुमार, हमारी शादी से फाइनेंसेस की निगाहों में हम दोनों की अलग अलग लगने वाली एसेट्स और लाइबिलिटीज एक हो जाएंगी और फाइनेंसेस हमें फाइनेंस देने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसीलिए तुमने फौरन शादी का फैसला किया ना? हाँ। मगर तुम्हें उन दो गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में क्या लगता है? क्या वो हमारे ख्वाब पेपर पर उतार पाएंगे? राकेश की काबिलियत पर मुझे पूरा यकीन है, मगर ना जाने क्यों प्रदीप पर भरोसा नहीं कर पाता। उसकी बातों और हरकतों से अभी भी यतीम खाने की बू आती है। आखिर क्यों क्यों तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? एक्सक्यूज मी मैम। अरे तुम अभी तक गए नहीं? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना चाहते हो? हाँ। तो कहो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या क्या करना चाहते हो मुझसे? शादी। शादी? आई लव यू। आपसे शादी करके ही जी सकूं। अचानक ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अचानक नहीं, 2 साल हो गए आपसे प्यार करते हुए। वाओ, 2 साल। आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर भी नहीं सकूंगा। ओह माय गॉड, तुम तो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ रहे हो। देखो प्रदीप, तुम अपने आप को लावारिस नहीं समझो, इसलिए मैंने तुम्हें वो अपनापन दिया। आपके अपनेपन नहीं तो मुझे आपका बना दिया। लेकिन मैंने तो वो इंसानियत के खातिर किया। इंसानियत के खातिर ही सही, आपका प्यार दे दीजिए। ओह वो प्रदीप, संभालो अपने आप को। तुम अपना मन मुझ में नहीं अपने काम में लगाओ, मैं किसी और की हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। लीजिए साहब, आप भी लीजिए मैडम। रहना ये फासला नहीं सहना, अलग अलग नहीं रहना ये फासला नहीं सहना, मेरी निगाहों का जादू ये तेरी सांसों की खुशबू होने लगे हैं बेकाबू। हम और तुम, हम और तुम, हम और तुम। हर पल तुझको मैं निहारूं, तेरे नैनों के दर्पण में चेहरा अपना मैं संवारूं। आज बाहों में है
अलग नहीं रहना ये फासला नहीं सहना, अलग अलग नहीं रहना ये फासला नहीं सहना। शाम न बीते तुम जो हमको ना मिलते तो कैसे अकेले हम जीते। दो बदन हो गए एक जान, दो बदन हो गए एक जान। अलग अलग नहीं रहना ये फासला नहीं सहना, मेरी निगाहों का जादू ये तेरी सांसों की खुशबू, होने लगे है बेकाबू। सुहागरात मना रही हो? मना लो, लेकिन इस सुहागरात में उसका सिर्फ जिस्म है, आत्मा नहीं रही। मेरी आत्मा सुहागरात मना रही। किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। पगली कहीं की, रॉन्ग नंबर से घबरा गई। मैं देखता हूँ। हेलो। अरे तुम्हें अंडमान का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया खान साहब? परसों ही तुमको अंडमान पहुँचना है। परसों ही? हाँ हाँ, बाकी की बातें अंडमान पहुँचने पर। थैंक यू वेरी मच खान साहब। ओह मेनका, मेनका आई लव यू, आई लव यू मेनका, आई लव यू। राकेश क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मुझे क्या पता तुम क्या सोच रही हो। अच्छा तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये मैं क्या लगा रखा है, बकरे हो क्या? मैं ये सोच रहा था, लेकिन कैसे कहूँ अपने इस मुंह से, और कैसे बोल दूँ? हाँ बाबा बोल दो ना। मैडम की टेंडर भरने की तारीख नजदीक आ रही है, शायद मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मिल ना सकूं। तो तुम मेरे पास बैठकर यही सोच रहे थे? हाँ, क्यों, कुछ और सोचना चाहिए था? बेवकूफ, क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि खूबसूरत लड़की के पास बैठकर क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? अच्छा तो बैठे हो मेरे पास और दिमाग मैडम के पास। वही तो कर रहा था। शट अप, अपनी शादी के बारे में नहीं सोच सकते थे? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, वो तो होनी है। माय फुट होनी है शादी के लिए बच्चू, तुम्हें मेरे भैया से मिलना होगा और मुझे अपने भैया से मिलवाना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मिल भी लेंगे, मिला भी देंगे। कब? मेरे भैया से जब तुम कहो, और अपने भैया से जब तुम कहो। तो फिर ठीक है, मेरे भैया इस वक्त हांगकांग टूर पर है, वो आ जाए तो तुम उनसे मिल लेना और मैं तुम्हारे भैया से मिल लूंगी। वो तो मिलेंगे मैडम, पहले हम तो मिल लें। पोस्टमैन, धर्म सिंह चौहान के नाम का टेलीग्राम है सर। मैं ही हूं। चलिए। कॉन्टैक्ट मुंबई हेडक्वार्टर्स इमीडिएटली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि देशद्रोही मदनलाल डोंगरा आतंकवादियों का खरीदा हुआ गुलाम था।
जिनका संबंध मुंबई के किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर से था। रशक ठीक ही निकला। आई एम हियर टू असिस्ट यू एंड आई एम हियर टू डिस्ट्रॉय देम। हेलो मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, ये वो कंपनी है जो रातों रात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर अपने आप को बेचने का फैसला कर लो तो मुझे इस पते पर कांटेक्ट कर लेना। कहीं है, किससे मिलना है आपको? अरे चल आजाज, क्या प्रॉब्लम है भाई? अपन का कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को तेरे मैडम से डायरेक्ट बात करना है। क्या मैडम से क्या बात करनी है? आप मुझसे बात कीजिए। चल तो फिर तू ही निकाल 11,000। 11,000 किस बात के? अबे मैं इस इलाके का दादा हूँ और हफ्ता लेने आया हूँ 11,000, समझे? देखिए मैं आपसे मुंह से बात कर रहा हूँ। तू क्या कर लेगा रे? अरे क्या दादागिरी है, छोड़ो, मैडम को जल्दी बुलाओ। सुनो तो, ये लो। अरे मैडम ये पहले क्यों नहीं दिया? पहले देता तो ये सब लफड़ा तो नहीं होता ना। और ये शाने को समझा के रखना, क्या ज्यादा शान पट्टी अपने से नहीं करे? अपन किसी को भी मार सकता है क्या? तुम्हारा भी मर्डर कर सकता है, मार डालेगा क्या? समझा ना, जाता है। ये आपने पैसे क्यों दे दिए? राकेश हम इन लोगों की तरह गुंडे मवाली नहीं है, हमें इन लोगों के बीच में रहकर बिजनेस करना है। आओ मेरे साथ। उफ ये इंतजार, स्टूपिड। मैं क्या कोई गधी हूँ जो यहाँ खड़ी रहकर उसका इंतजार करती रहूँ? जब मन हो आ जाए और आके यहाँ की हरी हरी घास खाए। अच्छा तो आ गए, बच्चों घास खिलाती हूँ। हाय ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट, स्वीटी पाई, ब्यूटीफुल मेरी माधुरी। यार तुम गुस्सा क्यों होती हो यार? प्यार में कभी हाँ हाँ नाना तो होती है ना। देखो तुम जिद मत करो और अपनी हद में रहो। रूठो ना जाने तमन्ना, रूठेगी हमसे बहार। मैंने तुझे दिल दिया है, कर ले मेरा एतबार। कर दी दीवाना तेरी ये बातें शराबी।
मुझको रास्ता न रोको, अब शाम ढलनी लगी है। मौसम सुहाना, दिल है दीवाना, बेताबी बढ़ने लगी है। गाड़ी के साथ तुम्हें भी बेडरूम तक ले जाता। Shut up and get out। अरे get out। अरे क्या कर रही हो यार? अरे मैंने तो कहा था कि गाड़ी को ले चलते बेडरूम के अंदर। अच्छा, अंदर जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो तो पहले अंदर जाने का दिन तो ले आ। अरे अंदर जाने का दिन तो आ जाएगा यार, पहले इन होठों का घूंघट तो खुल जाने दो। क्या? हाँ। अच्छा, एक शर्त है। मंजूर है। मुझे शर्म आती है, तुम अपनी आंखें बंद करो ना। अच्छा, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो तुम्हारे होठ कैसे देखूंगा? उन्हें तुम्हें देखने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें गाइड करूंगी ना, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। ओके अभी एक मिनट। हाँ एक मिनट, अभी तुम थोड़ा नीचे बेंड करो। हाँ अभी थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ा लेफ्ट, नहीं नहीं थोड़ा राइट, और थोड़ा नीचे झुकना प्लीज। अभी ओके, थोड़ा और नीचे। भैया भैया, लगता है भैया घर पर नहीं है। खैर उनका कोई कसूर नहीं है, ये बंबई शहर ही ऐसा है। लगता है भैया कहीं ना कहीं जरूर लाइन मार रहे हो। मैं माधुरी दीक्षित पे लाइन मार रहा था, उल्लू के पट्टे। मैं लाइन मारता हूँ आजकल। है बहुत बदमाश हो गया तू। भैया मेरा मतलब ये नहीं था भैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कहीं ना कहीं भाभी ढूंढने गए होंगे। तो है तेरी नजर में, बहुत बोलने लग गया तू, पिटाई कर दूंगा तेरी। पिटाई के साथ साथ मिठाई भी तो खिलाओगे ना भैया? मिठाई तो ठीक है बच्चू, खिला दूंगा, पर आजकल तुम कर क्या रहे हो? करने को तो बहुत कुछ है भैया, ये देखो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मुझे जॉब का ऑफर दिया है। अब आप ही बताओ, पैसों के लिए मैं अपने आप को बेच दूं? अच्छा किया, बड़ा भरोसा है इनको मेरे ऊपर। अब ये तो वही बात होगी ना, टांग खींचने वाली बात, इसे मैं फाड़ कर फेंक देता हूँ भैया। अच्छा तूने इसे फाड़ कर फेंक दिया, समझदार हो गया है, अपने फैसले खुद ही करने लगा है।
अच्छा ऐसी कितनी कंपनियां होंगी बंबई में जो एक दूसरे की टांग खींचती हैं? अरे भैया कुछ मत पूछिए, बंबई तो कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का गढ़ है, मगर जब मेरी कंपनी ने एनआईएस के सामने घुटने नहीं टेके तो मैं कैसे टेक सकता हूँ? बात तो है भाई, जा जल्दी से मुंह हाथ धो ले, आज शाम का खाना बाहर खाएंगे। बात तो ये है कि राकेश और प्रदीप ने मिलकर इस तरह से पेपर पर डिजाइन बनाया कि बस समझो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया। काश तुम यहां होते। सॉरी डार्लिंग, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन एक बात का वादा करता हूं, तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें मुबारकबाद जरूर दूंगा, खुद ना आ सका तो फोन पर ही सही। ओके कुमार, बाय बाय। टेक केयर। अब कौन है? हेलो, देखो फोन काटना नहीं है। अब तो तुम्हारा मुझे इस तरह फोन करना ठीक नहीं। क्या बिगड़ जाएगा अगर तुम मुझे अपना स्नेह दे दोगी, मुझसे बात कर लोगी? बात करो ना। एक काम करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? मैं अभी फोन रख रही हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपने आप को बेच दूं? हाँ राकेश, तुम बिकोगे, पर सिर्फ इतना होगा कि तुम बिक जाने का नाटक करो, वो खेल जो हमेशा एनआईएस दूसरों के साथ खेलती रही है, अब हम खेलेंगे, आओ मेरे साथ। मुझे इतना नेगलेक्ट मत करो मेनका। ये हैं बजट फाइल्स और ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट उन कंपनियों के हैं जो एनआईएस के सामने पहले ही घुटने टेक चुके हैं। अब तुम्हें इन सारे ड्राफ्ट का निचोड़ निकाल कर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना है जो अपने आप में अजूबा हो। अजूबा ही होगा सर। थैंक यू सर। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाँ नंदू साहब, फिक्र की कोई बात नहीं नंदू साहब, मैंने आपसे कहा था ना मैं इमारतों का आर्टिस्ट हूं और अपना हर काम आर्टिस्टिकली करता हूं। अब देखना कागज पर चलने वाली पेंसिल आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। अगर तुम्हारी कागज और पेंसिल हमें वहां पहुंचा देगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। चटाई कहां हो? खाना खा लेना, मैं आज शाम को देर से आऊंगा। मैडम मेनका के गोल्ड मेडलिस्ट को हमने खरीद लिया है, फिर भी मैडम मेनका अपना टेंडर लेकर मंत्रालय नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है साहब, काम हो जाएगा। ये तो वही मिसाल हुई, आ बेल मुझे मार। चले थे हमें क्रॉस करने और खुद हो गए डबल क्रॉस। अच्छा सुनो, उन्हें तुम पर कोई शक वक तो नहीं हुआ ना? शक? और मुझ पर? अरे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि सौदा कुछ इस तरीके से हुआ कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। मेरे हस्बैंड का ही फोन होगा, टेंडर की एक्साइटमेंट ने मेरे साथ उन्हें भी एक्साइटेड कर रखा है। हेलो, ऐसा करो जैकी, तुम सुबह ऑफिस जाने के बजाय 9 बजे ड्राफ्ट लेकर सीधे यहाँ पर आ जाना, क्योंकि सुबह 9 बजे ही कुमार का ड्राफ्ट हमारे हाथों लग जाएगा। दोनों ड्राफ्ट लेकर हम सुबह सीधे मंत्रालय चले जाएंगे। ओके, गुड नाइट। एक सेकेंड, कॉफी हो गई होगी, अभी लाई। जी अच्छा।
कुमार का फोन था? कट गया, डोंट वरी, जरूर आएगा। उनका तो फोन आज आना ही चाहिए, उन्होंने मुझसे वादा किया था। टेंडर तो ऑलमोस्ट भरा जा चुका है, लेकिन नींद आने से रही। ऐसा करते हैं, फटाफट कॉफी पीकर रिवाइज करते हैं। और वैसे तुम्हें सुबह 9 बजे आना भी तो है। ये तो मेरे हस्बैंड का ही फोन होगा। हेलो दादा, बोल तो है सुजीत के साथ जाने का, कॉफी पीने का, वो जो बोले वैसा करने का और प्यार करने का। नहीं तो क्या, खलास कर डालेगा तेरे को, मार डालेगा, मजाक नहीं करता है। रिलैक्स रिलैक्स, किसका फोन था? वो कालिया दादा, वो धमकी दे रहा था कि वो मुझे मार देगा, मेरा खून कर देगा। घबरा मत, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है, मिस्टर कुमार का फोन हो सकता है, मुझे देखने दो। मैं देखती हूँ। अब और नहीं, एक दिन भी और नहीं तरतूंगा। तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं मांगा था, तुम्हारा बिजनेस नहीं मांगा था, ना ही तुम्हारा जिस्म मांगा था। मांगा था तुमसे सिर्फ तुम्हारा स्नेह, और मेरे दिल को स्नेह की भीख देने के बजाय नफरत के नस्तर दिए। मेरे दिमाग को अपने सहारे का सुकून देने के बजाय एक हरामी लावारिस होने का एहसास जगा। अपने हरामी होने की कसम अब कॉफी की नहीं, तुम्हारे खून की चाह है। हार चुका हूं मैं, लेकिन जीतने भी किसी और को नहीं दूंगा। तुम भी आ रहा हूं मैं, तेरे जिस्म की अच्छी तरह हवा में ना उड़ा दिए तो हरा मिले। हाँ शट अप, क्या बात है? अरे भाई मैं DHL का कोरियर हूँ, अंडमान से मैडम मेनका के नाम अर्जेंट कोरियर है, 10 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। ठहरो मैं देखता हूँ। हो सकता बैल खराब हो। अरे दरवाजा तो खुला है। गहरी नींद में, यही लगता है। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। मिस्टर कुमार speaking, I'm sorry to inform you, your wife is dead. What nonsense are you talking? Well, Mr. Kumar, it's no nonsense. Try to understand me. आपकी पत्नी मेनका कुमार का खून हो गया है. She has been murdered. मेरी बीवी का खून? Mr. Kumar, लाश का पंचनामा हो चुका है. बाकी की बातें अंडमान से मुंबई पहुंचने पर. तुम्हारी चिता को अग्नि तो दे दी है मेरे, मगर श्रद्धांजलि मैं तुम्हें खूनी को सजा दिलवाने के बाद ही अर्पित करूंगा। अरे ये तो वही मिसाल उभरी गई, इकबाल साहब भी मरा और लट भी नहीं टूटी। साहब नहीं नागिन कहो मिश्रा, नागिन। चीयर्स। चीयर्स। ये जो मैंने
सुना है, ये सब क्या है? अगर तूने खून नहीं किया तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? इस तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? पर देखो, देखो मेरी आंखों में देखो। मैंने कोई खून नहीं किया भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। अगर खून तुमने नहीं किया तो मैं हूं ना यहां, डरा नहीं। मैं सच कह रहा हूं भैया, मैं निर्दोष हूं भैया, मैं बेकसूर हूं भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। राकेश, तुम मुझसे मिलने मत आया करो। क्यों? तुम किसी और से प्यार कर लो, किसी और से शादी कर लो। राकेश, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? खुद की जान दे दूंगी और तुम्हारी जान भी ले लूंगी, मगर छोड़ूंगी नहीं। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। माफ? क्यों? तुम तो खूनी नहीं, फिर क्या बात है राकेश, बोलो ना। मुझे तुमसे कोई शिकायत।
उसके बारे में, लेकिन मैं बाद में बात करते। आपकी तारीफ? मैं उस लड़के का भाई हूं जिसे आपकी कंपटीटर मैडम मेनका के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में लिया है। इल्जाम? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा भाई खूनी नहीं है? देखो, यहां मैं उस आदमी के बारे में जानने आया हूं जिसने मेरे भाई को खरीदने की कोशिश की है। नहीं नहीं नहीं, कोशिश ही नहीं की, हम उसे खरीदने में कामयाब ही हुए थे। हम है व्यापारी, खरीदना और बेचना हमारा पेशा है। तुम्हारे भाई ने अपना दाम बताया था, हमने उसके दामों में उसे एक रात के लिए खरीदा था। और उसी रात मैडम मेनका का आपने कत्ल करवा दिया। अखबारों के मुताबिक उस औरत के घुटनों पर ऐसी चोटें आई थी जैसे कि उसने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की। सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई देर रात तक उसके साथ टेंडर भर रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा भाई कत्ल नहीं कर सकता। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो वरना हवा में उड़ा दिए जाओगे। हवा में कौन उड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम अब हर चाल सोच समझ कर चलना। तो जान यहां से और शुरू करो हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मुझे सबूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। ये आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। के पुल पर बम का धमाका याद है? कौन हो तुम? किस पुल के धमाके की बात कर रहे हो तुम? फोन पर क्यों बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। कौन हो तुम? सामना तो अब तुम्हें मेरा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया किस्म के गिरगट हो, मौका देखकर माहौल देखकर रंग बदल लेते हो। अब तुम पकड़े जाओगे और मारे भी जाओगे। कौन हो तुम? रेप बिफोर मर्डर। क्या हुआ ऑफिसर? मिस्टर कुमार, मेनका की हत्या का कारण सांस की नली पर दबाव। हत्यारे ने मेनका के मुंह और गले पर दबाव लगातार बनाए रखा और वेल मिस्टर कुमार, पोस्टमार्टम के जिस हिस्से ने मुझे हैरानगी में डाल दिया है वो शायद आपके लिए एक और सदमे का कारण साबित होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफिसर, मेनका की मौत के सदमे का इम्तिहान जो मैंने पास कर लिया है वो। वेल मिस्टर कुमार, आई एम सॉरी टू से, मेनका की हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। स्टॉप इट, व्हाट नॉनसेंस। हौसला रखिए मिस्टर कुमार, हौसला रखिए। मैंने उस लड़के को जो देर रात तक मेनका के साथ टेंडर भर रहा था पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हुआ कुछ इस तरह से होगा कि आपकी खूबसूरत बीवी के साथ टेंडर भरते भरते अचानक उस लड़के की नीयत खराब हो गई होगी और मिस्टर कुमार, क्या आप यही समझते हैं कि मेरा भाई कातिल है? अगर कानून असली मुजरिम को मुजरिम ना साबित कर सके ऑफिसर,
तो मुझे बहुत अफसोस होगा। आप राकेश की जमानत का बंदोबस्त कीजिए, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू मिस्टर कुमार। अगर आपका कानून असली मुजरिम को सजा दिलवाने में जरा सा भी चूका तो मैं उस खूनी दरिंदे को वो सजा दूंगा जो कानून की नहीं भगवान की अदालत का वो इंसाफ होगा जिसे सुनकर हर बलात्कारी डर से कांप उठेगा। मिस्टर कुमार, क्या आपको किसी और पर शक है? हाँ ऑफिसर। मैडम, मेनका के खूनी प्रदीप के नाम वारंट जारी। मेनका की तस्वीर इस लड़के के कमरे में। समझने के गम में तुम्हारी बीवी ने अपने दूध पीते बच्चे के साथ खाड़ी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, मगर वो खबर आधी ही सच थी। शायद तुम्हारी बीवी नहीं चाहती थी कि उसके खूनी बाप का साया उसके बेटे पर पड़े, इसलिए आत्महत्या से पहले उसने अपने बेटे को गांधी आश्रम नाम के अनाथालय को सौंप दिया था। तुम्हारा वो बेटा जिंदा है शिवा। मगर तुमने अब तक छुपाया क्यों? क्योंकि अनायास को अगर पता चल जाता कि तुम्हारा बेटा जिंदा है तो तुम्हारे बदले के जुनून को कमजोर बनाने के लिए तुम्हारे बेटे को ही तुम्हारे वार की ढाल बना डालते, जैसे कि मैं बना दी गई। कहाँ है? उस खून की चश्मदीद गवाह बनने के फौरन बाद ही मुझे मिसेस दस्तूर का घर छोड़ना पड़ा। मिसेस दस्तूर की विधवा जिंदगी को बेटे का, यतीम खाने के बच्चे को मां का, और मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने आपके बेटे को मिसेस दस्तूर के हाथों को दिलवा दिया। मगर मगर क्या? वारंट इश्यू फॉर एक्यूज मर्डर पति। आप क्या होगा? अरे होएगा क्या, पुलिस के लफड़े में तू फसेला है और मैं बचेला है। बचेला है तो बचेला रहने देना बाबा, काय को लफड़ा करता है? मेरे लिए कोई रास्ता? हाँ एक ही है। हाँ तू फसेला है, फसेला रहे और भागता रहे, और भागते भागते पुलिस तेरे पीछे लगेगी और फिर तू मर जाने का क्या कैलाश? हाँ मर जाना पड़ेगा। हाँ डरने का और मरने का क्या साला, डरने को और मरने को इतना डरता है लफड़े में गिरा क्यों? अरे मेनका तो मर गई, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? अरे लैला के लिए मजनू ने जान दिया तो तू मेनका के लिए नहीं जान दे सकता है? शी कैसा मजनू है साला, हाँ मर जा, जा मर जा, हट। अरे भाग क्यों थी, भाग। Go! Back at the rock, go!
मार दूंगा। फॉलो मी। रुक जाओ। गोली नहीं चलाना। एक भौरा तो पकड़ में आ ही गया है, दूसरा खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। ले चलो इसे। मिस्टर कुमार, तुम यहां? सर, जख्मों पर नमक पड़े तो कितनी तकलीफ होती है, शायद इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहां बुलाया था। लेकिन आप? मैं भी कुछ इसी सिलसिले में यहां आया हूं। मेरे भाई को रिहाई दिलवाने में जो आपने मदद की है, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं उस कातिल को जल्द से जल्द सजा दिलवा कर रहूंगा। सर, खूनी वो लड़का हो या एनआईएस, उसे सजा मिलने के बाद ही मैं अपना संकल्प पूरा कर पाऊंगा। और राकेश, तुम मेनका के ख्वाब पूरे कर सकोगे। घबराइए मत, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू सर। आइए जनाब, आइए। शुक्रिया कि आप यहां आए। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि आप शेरों की दावत भी कबूल करेंगे। शेर कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका दावतनामा इसलिए मंजूर किया था कि मैं आपकी ये गार देखना चाहता था कि शेरों की गार कैसी होती है। आपका नहीं, शेरों की गार से ज्यादा गिद्धों का मजा लग रहा है। क्या हो मिस्टर सोलंकी, आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? लगता है हमारे यहाँ आने से आपको खुशी नहीं हुई। माफ करना, मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि महफिल का जायजा ले लूं कि हमारे मियार पर उतरती है या नहीं। आपकी ये महफिल तो हमारे मियार से बहुत ज्यादा ऊंची है, इसलिए मेरे ख्याल में मुलाकात फिर होगी। बड़े भैया, वो प्रदीप। सलाखों के पीछे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? इस खूनी से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि इस लड़के की रगों में दौड़ता हुआ खून किसी और का नहीं, मेरा है। अच्छा, कहानी अच्छी बना लेते हो। ये यतीम खाने से निकला हुआ एक लावारिस है। ये लावारिस नहीं, इसे लावारिस बना दिया गया। इसका बाप जिंदा है, मरा नहीं। बस उसे सिर्फ 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था। इसका मतलब है इस खूनी का बाप भी खूनी है। आज मैं आया हूं इस सबूत को कैसे छोड़ दूं? ये मेरे भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए एक अहम मोहरा है। तुम्हारे भाई की बेगुनाही का मोहरा मेरा बेटा बने, ये मेरे जीते जी नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, हम दोनों में से जो बचेगा वो ले जाएगा इसे। जैसे तुम्हारी मर्जी।
प्लीज रुक जाइए। देखिए मैं खूनी नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया। ठीक है, दो दिन बाद आके मिल। जी भाई। सहारा, जब तकदीर साथ देता है तो फोकट का पैसा खाने को मिलता है, फोन करने का और धमकाने का। साला ये तो फोन करके धमकाने का दुकान ही खोल देना मांगता है। बस इतना ही मेरा कसूर है और कुछ नहीं। किसी की टोपी किसी का सर, इन दोनों के बीच में मेरा बेटा फंस गया, ठीक उसी तरह जिस तरह 14 साल पहले मुझे फंसाया गया था। इसका मतलब है इसमें NIS का हाथ है। डोंट वरी, लेकिन अब पता लगाना पड़ेगा कि NIS का काली के साथ कुछ संबंध है या नहीं। लगा लेंगे, डोंट वरी। अभी भी वक्त है, सच बोल दे। बोल बोल बोल। मैंने जो बोला वही सच है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सरकारी गवाह बन जा, हम लोग तुझे बचा लेंगे। बोल बोल, ये खून तूने किया है या प्रदीप ने? बोल दे हरामी, बोल दे। बोल, प्रदीप कहाँ है? बोल। साहब, मैंने जो बयान में बोला है वो ही सच है साहब। प्रदीप किधर है, किधर छुपा हुआ है, हमको कुछ नहीं पता साहब। मगर मैंने खून नहीं किया है साहब, मैंने खून नहीं किया। वो तो शौहरत को फोन पर डराकर दादा बनने के चक्कर में फंस गया साहब। नादान की दोस्ती और जी का जंजाल साहब फांसी का फंदा बन गया। नहीं पांडे, पानी चल साइन कर। नहीं, मैं कहता हूं साइन कर। क्या खबर है? वो कालिया कोई बाधा वादा नहीं, हफ्ता वसूली करने वाला मामूली टपोरी है। मर्डर करने की उसमें हिम्मत नहीं। इसका मतलब जो ड्रामा NIS ने मेरे साथ खेला था, 14 साल बाद वही ड्रामा प्रदीप और राकेश के साथ खेला है। एक नहीं, उसने ऐसे कई कमीने खेल खेले हैं, लेकिन अब उसके साथ हम खेलेंगे उसका बाप बनकर। और इस आखिरी खेल का नाम होगा बदला। मगर इस खेल को खेलने के लिए जो उससे ज्यादा होश की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरे पास एक प्लान है। इस प्लान का नाम होगा ऑपरेशन धर्म कर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। जनाब, आपके भाई की जमानत की म्याद पूरी होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिंगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने से पहले आपके भाई को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। आप फिक्र मत कीजिए ऑफिसर, फिंगरप्रिंट्स आ जाने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये फिंगरप्रिंट्स मेरे भाई के नहीं है। उसकी जमानत की म्याद खत्म होने से पहले भगवान ने चाहा तो मैं असली कातिल को पेश कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। मुंबई शहर की हर गली, जुआ घर, कोठे, म्युनिसिपैलिटी के गटर, सब जगह तलाश किया जा चुका सर, प्रदीप का कोई अता पता नहीं चला सर। डोंट गिव एक्सक्यूजेस इंस्पेक्टर, मैं पूछता आखिर प्रदीप का हुआ क्या? उसे नीचे की जमीन खा गई या ऊपर का आसमान निकल गया? इंस्पेक्टर साहब, यह खत मैं पुलिस की सरदर्दी को खत्म करने के लिए लिख रहा हूं। हां, मैंने ही मेनका का खून किया है, क्योंकि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत किया करता था और अब मैं अपना भी खून करने जा रहा हूं। जब तक यह खत आपको मिलेगा तब तक मेरी लाश सड़ चुकी होगी।
मेनका का खूनी आशिक प्रदीप, पोस्ट गोराई, गोराई बीच। प्रेमिका मेनका के सन की हत्यारे ने आत्महत्या कर ली। उस पापी ने आत्महत्या करके अपने आप को सजा तो दे दी, लेकिन उसने मेरा वो सुकून छीन लिया जो मुझे उसे फांसी के फंदे पर लटकते देखकर मिल सकता था। सर मैं आपसे कुछ। राकेश, ये वो कुर्सी है जिस पर बैठने का हक मैं तुम्हें देता हूं, और ये वो जिम्मेदारी जो तुम्हें कंपनी के लोगों के साथ मिलकर निभानी है, जो वो चाहते हैं, मेनका के ख्वाब पूरे हो। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नहीं राकेश, इनकार मत करना। सवाल सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है, उन सब लोगों का है। सर आप मुझे कहने का एक मौका तो दीजिए। कह लेना दोस्त, सुन लूंगा, लेकिन मुझे गांव कुल देवी के मंदिर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करके आ जाने तो दो। चलता हूं। See you. तो इस हालत में आप अकेले कैसे जाएंगे सर? मैं टैक्सी ले लूंगा। नहीं नहीं प्लीज आप कुछ मत कहिए सर, मैं चलता हूं आपके साथ। आइए सर, संभल के सर। In the name of Karma and Dolly. Cheers. Hello. अरे पुरानी दोस्ती के साथ साथ नई दोस्ती की कसम, दुश्मन नहीं दोस्त ही हूं। अरे घबराओ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की लॉटरी तो परसों खुलने वाली है ना, मिलते ही तुम्हारी करोड़ों की दलाली पहुंच जाएगी। फिलहाल मुझे कॉन्ट्रैक्ट की दलाली की फिक्र नहीं, तुम्हारी जिंदगी के कॉन्ट्रैक्ट की दलाली की फिक्र है। क्या पकते हो? पक नहीं रहा हूं, बल्कि किसी के साथ तुम्हारी जिंदगी को बचाने की दलाली कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी मुझे किसी ने बताया वो सब का सब सच निकला, और उस सच के मुताबिक मौत तुम्हें अपने शिकंजे में कभी भी जकड़ सकती है। अगर ये तुम्हारी बकबक सच नहीं हुई तो? सच साबित हुई तो इसकी दलाली भी करोड़ों में लूंगा। सबूत? सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। आप प्लान के मुताबिक मिलते हैं। अरे ले लेना पैसा, जितना चाहिए उतना ले लेना। कहा हो नंदू, कोनू नवा कंट्रैक्ट मिल गया? कहा? हाँ मिला है। हम वो दरिंदे हैं जिन्हें कोई दगा नहीं दे सकता। चलो यस बॉस, पकड़ लो इनको। शिवा? हाँ शिवा, कल का शिवा और आज का कर्मा, धर्मा के साथ मिलकर हमें नेस्तनाबूद कर देना चाहता था, मगर भला हो उस नए दोस्त का जिसने दलाल से मिलकर हमें मौत के मुंह से बचा लिया। ले जाओ उसे। राकेश, राकेश आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आओ। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
यही कहना चाहते हो ना कि इस जगह में, इस संगीत में कितनी पवित्रता है? आओ राकेश, आओ। मेनका को श्रद्धांजलि अर्पित करने की, इस पारिवारिक परंपरा को पूरा करने में मेरी मदद करो। आओ राकेश, आओ आओ। पधारी। ये मेरे दोस्त राकेश हैं। मेनका के जाने के बाद यही मेरे जीने का मकसद बन चुके हैं। पहले आप श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, फिर संकल्प अनुसार पलिक्रिया आरंभ हो। लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। तुम्हें समझा था कि मेरे भाई के साथ कोई और नहीं है। आइंदा ऐसी हरकत की तो तेरे दोनों हाथ काट के फेंक दूंगा। आओ। तो ये मत समझना कि तेरे बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे बारे में मैं सब कुछ समझ गया हूं। डाल डाल तो हम पात पात। तुम्हारी काली करतूत का पता हमें तुम्हारा फोन टैप करके चल गया था कि तुम NIS के आदमी हो। ये आपने अच्छा नहीं किया। खामोश। अब सिर्फ मेरे भाई की बलि का कारण बताने के अलावा एक लफ्ज जबान से निकाला तो पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे गले से उतार दूंगा। वो क्या बोलेंगे धर्मा साहब? बोलने की बात यह है कि अगर तू वहां बादशाह है तो गुलाम और बेगम। मैं तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि दलाली खाना तो एक तरफ, रोटी खाने के लिए तुझे अपना मुंह ढूंढना पड़ेगा। जो जाल तूने कर्मा के साथ मिलकर हमें बर्बाद करने के लिए फैलाया था, आज तो खुद उसी जाल में फंस चुका है। लोगों की जिंदगी के लिए फांसी का फंदा तैयार करने वाले भेड़िए, मैं तेरा वो हशर करूंगा कि आदमी तो एक तरफ, भेड़िए भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। शुक्रिया कुमार साहब, आपने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर इस नए रिश्ते को नया रूप दिया है। नंदू साहब, इस नए रिश्ते का सहारा लेकर आप जो खेल खेलना चाहते हैं आप खेलिए, लेकिन मैं अपना खेल राकेश से खेलूंगा। धर्मा, इसे कहते हैं ना इसका चक्रव्यूह। कुमार साहब, भले अब एक नहीं चार चढ़ेंगी चार, और उस चूजे के साथ साथ धर्मा कर्मा और डॉली की बलि भी चढ़ा दी जाएगी, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तू भी जिंदा है? हरामी मैं नहीं, तू है। क्या बिगड़ जाएगा तेरा? मैं तो तुझे तेरे अपवित्र शरीर से मुक्ति दे रहा हूं। भगवत गीता में लिखा है, मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दे।
कुमार साहब, ऐसे मौकों की भी अपनी एक परंपरा होती है। आसमान में ये पूर्णमासी का चांद और जमीन पर हुस्न और शबाब के ये दो चांद। बलि से पहले परंपरा है नृत्य और संगीत की। ले जाओ इन दो लड़कियों को और ले आओ इन्हें सजा संवार कर। चला हो छोरी को लेके चला। यार रंदो, हमने तो सोचा था कि हम अपनी बाकी की जिंदगी सफेद पोश बिजनेसमैन बनकर गुजारेंगे, मगर इन योद्धाओं ने हमें अपनी असली औकात पर आने पर मजबूर कर दिया। जरा इन योद्धाओं की हालत तो देखो, कितने बेबस और लाचार हैं। Oh, God.
मैं चाहता था। मैं तेरे भाई को अब भी मारना चाहता हूं। तू जानना चाहता है? तू जानना चाहता है कि मैं तेरे भाई को क्यों मारना चाहता हूं? मैं जानता हूं कि तेरे भाई ने मेरी बीवी का कत्ल नहीं किया, लेकिन वो मेरी बीवी के खून का जिम्मेदार जरूर है। वो रात आज तक मेरे दिल और दिमाग पर अमावस की तरह छाई हुई है, क्योंकि वो रात कैंडल भरने के साथ साथ मेरी बीवी के जन्मदिन की रात थी। अंडमान में काम से मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी, लेकिन शनिवार और एतवार दो दिनों की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए बगैर किसी से बताए हुए मैं मेनका से मिलकर वापस आ जाना चाहता था। अपनी मेनका को अचानक ताज्जुब में डाल देने के लिए कलकत्ता तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां से मेरी बॉम्बे की फ्लाइट मिस हो चुकी थी। बॉम्बे की नेक्स्ट फ्लाइट के लिए मुझे वहां इंतजार करना पड़ा। मैंने यही बेहतर समझा कि मेनका को मुबारकबाद देके मैं अपने आने की खबर दे दूं। लेकिन हेलो मेनका, हेलो। राकेश, कहाँ लगी आपको मैडम? कहाँ लगी?
सर, ये मेरा अपवित्र शरीर और कुमार कैसे कैसे जी सकूंगी मैं? मैं क्षमा मांगू भी तो कैसे मांगू? कुमार, क्यों मुझसे दूर चले गए थे तुम? कुमार, मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया, मैं भाव में बह गई, मैं तुम्हारी दोषी हूं। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही कुमार, कहां से लाऊं वो पवित्र शरीर जो तुम्हारी आत्मा से मिल सके? मिलेगी, जरूर मिलेगी मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा के साथ जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे इस अपवित्र शरीर से अलग कर दूंगा और इस तरह तुम्हें इस अपवित्र शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहते हुए ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं और ना ही तुम्हारे साथ रह सकता हूं। सच मानो कुमार, मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है। तो अब मेरे लिए मर जा, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं मेनका, अगले जन्म में मैं तुम्हें पल भर के लिए भी अलग नहीं रखूंगा। सुहागन की तरह मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं मेनका। अफसोस तो मुझे यह है कि इस हादसे के दूसरे साथी को मैं नहीं मार सका। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। नो, राकेश, एक बात याद रखना, तुम जिसे प्यार करते हो उसे कभी अकेलेपन का एहसास मत होने देना। मैंने यह गलती की थी और आज तक अपने आप को माफ नहीं कर सका। उस आपके कमजोर पल के बाहों में बैठकर जो कुछ भी मुझसे हुआ उसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूं। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मां, इसकी आत्मा को शांति देना। इस धरती पर कोई पाप करता है तो उसकी सजा तू ही देती है,
उत्पन्न करता है तो उसका आशीर्वाद भी तू ही देती है। हम सबको तेरा आशीर्वाद चाहिए माँ, तेरा आशीर्वाद चाहिए।